21 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब चंद्रमा पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखे थे। लेकिन इंसानों के चांद पर रखे गए ये कदम हमेशा से ही हैरानी भरे रहे हैं, क्योंकि 50 साल पहले जब हम तकनीकी रूप से इतने समर्थ नहीं थे, तब भी वर्ष 1969 में नासा द्वारा लगातार दो बार इंसानों को चांद पर भेजा गया, पहली बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। लेकिन ऐसा चांद पर क्या था जिसे देखने और खोजने के लिए नासा ने 4 महीने के अंतराल में ही दो बार इंसानों को चांद पर भेज दिया। इतना ही नहीं, साल 1972 तक आते आते लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजा गया था। इतनी जल्दी जल्दी चांद पर इंसानों को भेजने के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस ओर गई। चांद पर मानव बस्तियां बसाने और खनन करने की बातें भी होने लगी थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत विश्व के सभी देशों ने एक साथ ही त्याग दी। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बताएंगे जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे तो कुछ समय के लिए उनका प्रसारण रोक दिया गया था। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाजें भी काट दी गई थी। एक्सपर्ट्स की माने तो चांद पर अनेकों ऊंचे ऊंचे टावर हैं। इन टावर्स की लंबाई 2000 से लेकर 2500 मीटर तक हो सकती है, और आर्मस्ट्रांग व एल्ड्रिन ने भी ऐसे ही किसी टावर को देखने का दावा किया था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये टावर हजारों साल पहले एलियंस द्वारा पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे, और ये जानकारी नासा के द्वारा आम जनता से भी छुपाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हुए हैं। इन टावर्स के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ही नासा ने साल 1969 से लेकर 1972 तक लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजा था। कई वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि जब आखिरी बार एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे तो वहाँ उनका सामना एलियंस से भी हो चुका है। एलियंस ने इन एस्ट्रोनॉट को वहाँ से चले जाने की चेतावनी भी दी थी। नील आर्मस्ट्रांग ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतरिक्ष में काफी दूर तक उनके यान का पीछा एक बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ के द्वारा किया गया था। साथ ही चांद पर कुछ एस्ट्रोनॉट ने वहाँ रहस्यमय संगीत सुनने का भी दावा किया है। हालांकि नासा के द्वारा आधिकारिक तौर पर कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई, और ये बात हमारे गले भी नहीं उतरती है, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन चंद्रमा पर ना तो हवा है और ना ही किसी प्रकार का कोई अन्य माध्यम, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तो सुनी ही नहीं जा सकती। तो फिर वहाँ एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा संगीत का सुना जाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? चांद पर गए कुछ एस्ट्रोनॉट्स का तो यहाँ तक कहना है कि चांद पर एलियन सभ्यता निवास करती है, इनका यहाँ अपना बेस भी है। एलियन थ्योरी पर काम करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियन सभ्यता निवास करती है और उन्होंने यहाँ अपना बेस बना रखा है। वेल, जो भी हो, लेकिन चांद पर वापस लौटने में कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, क्योंकि अगर आज से 50 साल पहले हम चांद पर पहुंच जाने में सक्षम हो चुके थे तो फिर आज तो विज्ञान ने काफी ज्यादा तरक्की भी कर ली है। फिर भी दुनिया का कोई भी देश चांद पर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये बात बेहद ही आश्चर्यजनक है कि जब 60 के दशक में हम चांद पर पहुंच गए थे तो आज इतनी उम्दा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम चांद पर क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी पिछले ही साल नेशनल स्पेस काउंसिल की एक बैठक में नासा के प्रवक्ता द्वारा कहा गया कि इंसानों को फिर से चांद पर भेजा जाएगा, लेकिन साल 2028 के अंत तक। अब उनका ये बयान ही अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब हम दशकों पहले ही कई बार चांद पर जा चुके हैं तो अब चांद पर जाने की तैयारियों के लिए इतना समय क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि विज्ञान तो अब पहले की तुलना में आगे ही बढ़ा है। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 21 जुलाई 1969 को भारतीय समयानुसार सुबह 8:26 पर चांद पर पहला कदम रखा था। एक बड़े स्पेस शटल कोलंबिया से अलग होकर ईगल नाम का एक छोटा यान चंद्रमा पर उतरा था। इस यान से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकले थे, लेकिन उनके चांद पर कदम रखने से भी पहले वहाँ इंसानों की कोई और निशानी भी मौजूद थी। असल में खुद उतरने से पहले नील आर्मस्ट्रांग ने गांठ मारकर बांधी गई प्लास्टिक की एक थैली को चंद्रमा पर फेंका था। इस थैली में आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों का मलमूत्र और कचरा था। लिहाजा इस हिसाब से देखा जाए तो इंसानों के चांद पर उतरने से पहले वहाँ कूड़े ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। लेकिन आर्मस्ट्रांग द्वारा इस थैली को चांद पर फेंकने से करीब 10 साल पहले लूना 2 नाम का एक रूसी यान चांद से टकरा कर ध्वस्त हो गया था, इसलिए उस यान का कचरा भी चांद पर चारों ओर बिखरा पड़ा था। ये कूड़ा आज भी वहाँ ज्यों का त्यों ही होगा, क्योंकि वहाँ पृथ्वी की तुलना में काफी कम डिस्टरबेंस है, इसलिए सारा कूड़ा बिना सड़े गले आज भी वैसे की वैसे पड़ा होगा। दोस्तों, रूसी यान के नष्ट होने से लेकर आज तक हम इंसान चांद पर केवल कूड़ा ही कूड़ा फैला रहे हैं। नासा का अनुमान है कि भले ही चंद्रमा पर कोई ना रहता हो, पर आज भी वहाँ 190 टन मनुष्य निर्मित कचरा यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। यानी अगर चांद के कूड़े को इकट्ठा किया जाए तो 10 बड़े ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ नासा कह रहा है कि चांद पर किसी भी प्रकार का
जीवन नहीं पनप सकता। चांद पर वीरान और बंजर जमीन है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि चांद पर जाना इंसानों के लिए हितकारी होगा। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर क्यों अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों द्वारा चंद्रमा पर लगातार यान भेजे जा रहे हैं? जब वहां जाना बेकार ही है तो फिर क्यों वहां कूड़ा फैलाया जा रहा है? आखिर बंजर चांद पर ऐसा कौन सा राज है जिसे जानने के लिए चंद्रमा पर समय समय पर यान भेजे जाते हैं? इस बात में कोई शक नहीं है कि चांद का धरातल भी काफी रहस्यमयी है। माना जाता है कि अतीत में किसी अंतरिक्ष पिंड के टकराने से धरती के दो टुकड़े हो गए थे। इन दोनों टुकड़ों में से छोटे वाले टुकड़े को चांद कहा गया, यानी चंद्रमा धरती के बाद बना है। और देखा जाए तो चंद्रमा और पृथ्वी का वातावरण भी एक समान है, लेकिन हालिया वैज्ञानिक रिसर्च के परिणामों के मुताबिक चांद धरती से भी पुराना है। जब चांद की मिट्टी से मिले तत्वों की जांच की गई तो इन तत्वों को करीब 530 करोड़ साल पुराना माना गया, जबकि हमारी धरती महज 450 करोड़ साल ही पुरानी है। 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने लूनर मॉड्यूल को चांद पर छोड़ा था तो मॉड्यूल के चांद से टकराने के बाद वहां भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी। चांद की सतह लगभग एक घंटे तक कंपन करती रही थी। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब चांद की सतह किसी धातु से बनी हो और अंदर से चांद पूरी तरह खोखला हो। चांद पर मिले पत्थरों में भारी मात्रा में यूरेनियम व नेप्टूनियम जैसे तत्व भी पाए गए हैं। धरती पर ये तत्व पत्थरों में नहीं पाए जाते और इन तत्वों का उपयोग स्पेसशिप की बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान व दबाव को सहन कर सके। एक रिसर्च के अनुसार ये भी माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है, जिस कारण अनेकों वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि चंद्रमा प्राकृतिक भी है या नहीं, बल्कि हो सकता है कि इसे कृत्रिम रूप से किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया हो, जिससे चंद्रमा के जरिए एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती हो। और ये बात इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने एलियंस का होना और पृथ्वी पर इनकी बार बार मौजूदगी को स्वीकार किया है। वहीं इतिहास में भी चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ अनोखे और रोचक तथ्य देखने को मिले हैं। बताया जाता है कि आज से करीब 910 साल पहले यानी 11वीं सदी में चंद्रमा अचानक से ही गायब हो गया था। उस समय चांद कई महीनों तक लगातार गायब ही रहा था और उसके बाद अचानक दोबारा सामने आ गया। हालांकि उस जमाने में अंधविश्वास अपने चरम पर था। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका के चलते सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर बड़े पैमाने पर पूजा पाठ की। ऐसे में जब कई महीनों बाद चंद्रमा दिखाई दिया तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। चांद के यूं अचानक गायब हो जाने के बाद पूजा पाठ करने के कारण ही शायद आज सभी धर्मों में चांद का विशेष स्थान है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि सन 1104 में आइसलैंड में मौजूद एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। उसके विस्फोट से राख और धुएं के बादल निकलकर आसमान में फैल गए थे, जिस कारण चांद दिखाई नहीं दिया था। लेकिन अगर ऐसा था तो कई महीनों तक फैले इन धुआं के बादलों ने सूरज की रोशनी को क्यों नहीं ढका? अगर ऐसे में सूरज की रोशनी या गर्मी पृथ्वी पर न पहुंचती तो पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत हो जाती और करोड़ों जीव जंतु मारे जाते। लेकिन इतिहास में इस तरह की कोई भी घटना दर्ज नहीं है, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि चांद पर कोई ना कोई एलियन जैसी सभ्यता तो जरूर मौजूद है। लेकिन ये हम अपने हिसाब से नहीं कह रहे बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब नासा को चांद पर जाने से रोक रही है और इसका एक सबसे बड़ा कारण तो बजट ही है। साल 2004 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डब्ल्यू जॉर्ज बुश ने मैन मून मिशन के लिए 104,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट बनाया था, लेकिन भारी भरकम बजट के चलते उस वक्त ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त साल 1969 से लेकर साल 1972 तक जब नासा ने मून मिशन किए तब अंतरिक्ष कार्यक्रमों का बजट कुल बजट का 5% था, जबकि आज ये हिस्सा घटकर कुल बजट का 1% ही रह गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि नासा अब मैन मून मिशन पर इतना खर्च नहीं करना चाहता। वहीं कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक चांद पर इंसानों को भेजने के पीछे वैज्ञानिक दिलचस्पी से ज्यादा राजनीतिक कारण थे, क्योंकि अंतरिक्ष नियंत्रण की होड़ में ये मिशन किए गए थे। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों के चलते नासा अब चांद पर नहीं जाना चाहता। हालांकि साल 2020 में नासा ने अपने बजट में लगभग 12% बढ़ोतरी की मांग की थी, जिससे वो साल 2024 तक एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेज सके। लेकिन ये देखने लायक ही होगा कि क्या नासा फिर से इंसानों को चांद पर भेज पाता है या नहीं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।